नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 19 जून दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। राज्य के 14 जिलों में होगी पहली बार नाइट ब्लड सर्वे। इस दिन पटना रांची ट्रेन का होगा उद्घाटन। क्लास 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा होगी इस महीने। गुड प्रैक्टिस के रूप में बिहार की स्मार्ट मीटर योजना हुई चयनित। सुरेश रैना ने सीएसके की प्लेइंग 11 में उथप्पा को शामिल करने पर किया बड़ा खुलासा। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 2000 नए पंचायत सरकार भवनों का होगा अलग अलग टेंडर। बिहार में स्वीकृत किए गए 2000 नए पंचायत सरकार भवनों के निर्माण को लेकर पंचायती राज विभाग और योजना विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव स्तर पर किए गए समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य में निर्माण होने वाले इन 2000 नए पंचायत सरकार भवनों का टेंडर अलग अलग जारी किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 6600 वर्ग फुट के इस 2 मंजिले एक भवन के निर्माण पर कुल लागत 1,99,92,000 आ रहे हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिन पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया जाएगा वह 8,924 वर्ग फुट क्षेत्रफल में किया जाएगा, जिसके लिए भवनों की प्राकलन राशि 2,86,30,000 निर्धारित की गई है। ऐसे में राज्य में निर्माण किए जाने वाले कुल 2000 पंचायत सरकार भवनों पर कुल 41,71,16,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य के 14 जिलों में होगा पहली बार नाइट ब्लड सर्वे। 10 अगस्त से राज्य के 14 जिलों के 250 प्रखंडों में पहली बार भारतीय उन्मूलन के उद्देश्य से ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन राउंड संचालित कर नाइट ब्लड सर्वे किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के जिन 14 जिलों में नाइट ब्लड सर्वे किया जाना है उसमें बिहार की राजधानी पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, नवादा, लखीसराय, समस्तीपुर, मधेपुरा, दरभंगा और मधुबनी शामिल है। मालूम हो कि नाइट ब्लड सर्वे किसी भी क्षेत्र में माइक्रो फाइलेरिया के प्रसार के दर को जानने के लिए किया जाता है, जिसमें रात 8:30 बजे के बाद ही रक्त को लेकर उसकी जांच की जाती है। बता दें कि इस नई रणनीति को लेकर फाइलेरिया उन्मूलन मुख्य राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण विभाग की ओर से शामिल किया गया है, जिसके तहत साल में 2 बार 10 फरवरी और 10 अगस्त को एक साथ देश भर में MDA राउंड चलाने का निर्णय लिया गया है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे राम चतुर मल्लिक के बारे में। पंडित राम चतुर मल्लिक भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद धमार शैली के प्रसिद्ध गायक थे। इन्होंने ध्रुपद धमार गायन शैली में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ख्याति प्राप्त की थी और देश का नाम रोशन किया। मल्लिक जी ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी और मैथिली लोकगीतों के अनुपम गायक थे। एक शास्त्रीय गायक कलाकार के रूप में पंडित राम चतुर मल्लिक को 1949 में उन्हें आकाशवाणी के प्रथम श्रेणी के विशिष्ट कलाकार के रूप में सम्मानित किया गया था। 1953 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें बिहार संगीत नाटक अकादमी के फेलो से प्रदान की थी। 1957 में बम्बई की सुर श्रृंगार संसद द्वारा इन्हें मानपत्र और ताम्रपत्र प्रदान किया गया। 1964 में बिहार के राज्यपाल A.S. अयंगार ने ताम्रपत्र की उपाधि से विभूषित किया और उसी वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। 1976 में फ्रांस सरकार ने राम चतुर मल्लिक के ध्रुपद धमार रिकॉर्ड को यूनेस्को प्रसारण के लिए चुना था। मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें तानसेन की उपाधि, बिहार सरकार ने महामहोपाध्याय की उपाधि और खेड़ागढ़ ने इन्हें डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया। दूसरे राज्यों से बिहार में शराब तस्करी करने वालों पर बिहार मद्य निषेध इकाई सख्त। बिहार पुलिस ने बिहार में दूसरे राज्यों से शराब तस्करी करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी वजह से 23 ट्रकों से 1.05 लीटर विदेशी शराब बिहार पुलिस के मद्य निषेध इकाई विभाग ने मई महीने में जब्त किए हैं। वहीं 4.56 लाख बल्क लीटर शराब इस महीने जब्त हुए हैं। साथ ही 38,000 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। मिली जानकारी के अनुसार जहानाबाद के तेहता ओपी थाना क्षेत्र से 3 ट्रकों को एक साथ जब्त किया गया है। बता दें कि इन ट्रकों की जब्ती बिहार पुलिस के मद्य निषेध इकाई ने गुप्त सूचना के आधार पर 22 मई को की थी। जहानाबाद के अलावा वैशाली, औरंगाबाद, पटना और गया से भी शराब की ट्रक बरामद की गई थी। इस दिन पटना रांची ट्रेन का होगा उद्घाटन। वंदे भारत ट्रेन का परिचालन रेलवे 27 जून से 5 रेल रूट पर शुरू करेगा। इस सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की शुरुआत प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। बता दें कि ये 5 ट्रेनें मुंबई, गोवा, बेंगलुरु, हुबली, पटना, रांची, भोपाल, इंदौर और भोपाल जबलपुर के रूट पर संचालित होगी। इस ट्रेन का उद्घाटन पहले ही होने वाला था, लेकिन उड़ीसा हादसे के वजह से रेल मंत्री ने इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया था। ऐसा पहली बार हो रहा है जब 5 वंदे भारत ट्रेन का संचालन एक साथ किया जाएगा। बता दें कि रांची से ही पटना रांची वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा। क्लास 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा होगी इस महीने।
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से राज्य के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक स्कूलों के कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन सितंबर महीने में करवाया जाएगा, जिसमें कक्षा 1 के विद्यार्थियों का मूल्यांकन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, तो वहीं कक्षा 2 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों का मूल्यांकन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इसके साथ ही कक्षा 1 से 3 तक के विद्यार्थियों को होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भी सौंपा जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों के मार्क्स के साथ उनके ओवरऑल डेवलपमेंट रिपोर्ट शामिल होंगे। इसके अलावा कक्षा 4 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को फाइल में रजिस्टर किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों के नाम और कक्षा के साथ ही अलग अलग विषय में प्राप्त अंक और ओवरऑल ग्रेड शामिल होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सभी सरकारी विद्यालयों के प्रबंधक को प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका और मूल्यांकन पंजी के मुद्रण के लिए टेंडर जारी कर निर्देशित किया जाएगा। वहीं कक्षा 2 से लेकर 8 तक के सभी विद्यार्थी अपना जवाब प्रश्न पत्र में ही लिखेंगे। विश्वविद्यालयों के कर्मियों के बकाया वेतन व पेंशन भुगतान हेतु 330 करोड़ की स्वीकृति। 330 करोड़ रुपए की स्वीकृति और खर्च की अनुमति शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों के कर्मियों के बकाया वेतन और पेंशन भुगतान के लिए मिल चुकी है। शिक्षकतर कर्मियों के वेतन पुनरीक्षण के बाद 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2019 के बकाया अंतर के भुगतान के लिए 7 विश्वविद्यालयों के लिए राशि को स्वीकृत किया जा चुका है। बता दें कि इन विश्वविद्यालयों में BRA मुजफ्फरपुर, वीर कुंवर सिंह आरा, BN मंडल मधेपुरा, LNM दरभंगा, पाटलिपुत्र, पूर्णिया और मुंगेर विश्वविद्यालय शामिल है। बता दें कि इसकी मांग उक्त कर्मियों के तरफ से लंबे समय से किए जा रहे थे। मेडिकल और इंजीनियरिंग की फ्री कोचिंग के लिए जल्द करें आवेदन। अगर आपने भी अब तक बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से 10वीं के मेधावी छात्रों को दिए जाने वाले इंजीनियरिंग व मेडिकल के प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए मुफ्त में दी जाने वाली कोचिंग के लिए आवेदन नहीं किया है, तो आपके पास आवेदन करने का अंतिम मौका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए 20 जून तक आवेदन करने का अंतिम तारीख निर्धारित किया गया है। वहीं इस कोचिंग के लिए जिन विद्यार्थियों को चयन किया जाएगा उसकी सूची 24 जून को जारी की जाएगी और 15 जुलाई से उनकी कक्षा की शुरुआत कर दी जाएगी। मालूम हो कि इस योजना का लाभ वही छात्र उठा सकते हैं जिन्होंने 90% अंक प्राप्त किया हो। आवेदन करने के लिए छात्र बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in या secondarybiharboardonline.com पर उपलब्ध लिंक या coaching.biharboardonline.com के जरिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस योजना के तहत छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी और साथ ही उन्हें अन्य सभी जरूरी सुविधा भी प्रदान की जाएगी। गुड प्रैक्टिस के रूप में बिहार की स्मार्ट मीटर योजना हुई चयनित। बिहार में स्मार्ट मीटर प्रीपेड की पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के स्थायी समिति की पटना में आयोजित 13वीं बैठक की सराहना की हुई है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर संबंधी प्रस्तुतिकरण बिहार के तरफ से गुड प्रैक्टिस के रूप में किया गया है। बता दें कि बिहार के इस प्रैक्टिस को सदस्य राज्यों द्वारा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के लिए भी चयनित किया गया है। बता दें कि परिषद की अगले बैठक में अन्य राज्यों द्वारा इस प्रैक्टिस को लागू करने पर विचार किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार पिछली बैठक से 16 बिंदुओं को बैठक में लिए गए थे। वहीं सदस्य राज्य सरकारों और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा 29 अन्य बिंदु प्रायोजित थे। इस बैठक में कई विवादास्पद मामलों को सुलझाया गया और साथ ही उसे एजेंडे से हटाने की बात भी कही गई। बिहार में मॉनसून को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। बिहार में पिछले काफी दिनों से लोगों को भीषण गर्मी की मार झेलनी पड़ रही थी। बता दें कि बिहार में मॉनसून का आगमन तो पिछले कुछ दिनों पहले ही हो चुका है, लेकिन अब तक राज्य के कई जिलों में लोगों को गर्मी का प्रकोप सहना पड़ रहा था। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा था। यहां तक कि मौसम विभाग की ओर से राज्य के कई जिलों में रात को भी लू चलने की संभावना जताई गई थी। वहीं IMD बिहार के द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी कि 19 जून को बक्सर, कैमूर, रोहतास जिले में एक या दो स्थानों पर भीषण उष्ण लहर यानी कि लू की संभावना जताई गई है। वहीं उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व के जिलों में एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है और किशनगंज जिले के एक या दो स्थानों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। अगर बात करें कल यानी कि 20 जून की, तो राज्य के एक या दो स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जिले के एक या दो स्थानों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार के इन जिलों में गढ़ाया जल संकट। बिहार में पड़ रहे भीषण गर्मी के कारण 20 जिलों में पानी का संकट गहराता नजर आ रहा है। इसके अलावा बिहार के 7 जिलों में भू जल स्तर की स्थिति और भी बुरी है, क्योंकि इन 7 जिलों में कहीं कहीं तो भू जल स्तर 13 फुट नीचे तक जा गया है। जल संकट को देखते हुए विभाग की तरफ से इन जिलों की निगरानी की जा रही, साथ ही लोगों को परेशानी न हो इसके लिए टैंकर के जरिए की पानी की सुविधा भी मुहैया करवाई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार राज्य के जिन जिलों में 2 से 13 फुट तक जलस्तर नीचे गया है उनमें कैमूर, गया, औरंगाबाद, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, भागलपुर, बांका, लखीसराय, बक्सर, जहानाबाद, पटना, रोहतास, समस्तीपुर, भोजपुर, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, वैशाली, सीतामढ़ी, सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर और सहरसा शामिल है।
आलोचनाओं के बावजूद आदि पुरुष फिल्म कर रही धमाकेदार कमाई। प्रभास की फिल्म आदि पुरुष काफी चर्चा में देखी जा रही है। कई लोगों की तरफ से इसे लेकर बुरे रिव्यू भी देखने को मिले, बावजूद इसके बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग देखने को मिली। लेकिन फिर भी फिल्म के डायलॉग्स और उसके कहानी को लेकर लोग सोशल मीडिया पर काफी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस फिल्म के मेकर्स काफी अच्छी कमाई कर रहे हैं और यह फिल्म देश के चर्चित फिल्मों में से एक बनी हुई है। बता दें कि 100 करोड़ ग्रास कलेक्शन करने वाली यह फिल्म बॉलीवुड फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म में प्रभास जो कि श्रीराम, कृति सनन जो सीता का किरदार निभा रही और सैफ अली खान रावण के किरदार में है और फिल्म रामायण बेस्ट बताया जा रहा है। लेकिन इस फिल्म के डायलॉग्स को लेकर जिस प्रकार से विरोध किया जा रहा है उसे देखकर फिल्म मेकर्स द्वारा इसके डायलॉग्स में बदलाव का फैसला लिया गया है। बिहार के आईटीआई में अब रोबोट ड्रोन 3D विषयों की होगी पढ़ाई। बिहार के आईटीआई में बहुत जल्दी रोबोट ड्रोन 3D आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई आधुनिक विषयों की पढ़ाई होने वाली है। मालूम हो कि आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाने की कार्रवाई हो रही है। छात्रों को अत्याधुनिक सुविधाओं से प्रशिक्षित करने के लिए श्रम संसाधन विभाग ने कुल 149 सरकारी आईटीआई में से पहले चरण में 60 का चयन किया है, जिनमें से राज्य के 20 आईटीआई में आधुनिक कोर्स की पढ़ाई और प्रशिक्षण शुरू करने के लिए लैब बनकर तैयार हो गए हैं। वहीं बाकी बचे 40 आईटीआई में लैब बनने का काम अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही दूसरे चरण का काम अगले साल तक पूरा होने का उम्मीद किया जा रहा है। मालूम हो कि लैब तैयार होते ही आईटीआई में 23 नए तकनीकी उन्नत व्यापार पाठ्यक्रमों की सुविधा प्रदान की जाएगी। बता दें कि इस परियोजना में 4,606 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे बाबा गोरखनाथ धाम के बारे में। बाबा गोरखनाथ धाम कटिहार जिले का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह मंदिर शिव भगवान जी को समर्पित है। यह मंदिर प्राचीन है। यह मंदिर बहुत सुंदर है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। गर्भगृह में आपको सफेद कलर का एक छोटा सा शिवलिंग देखने के लिए मिलता है। यहाँ नाग देवता की मूर्ति भी विराजमान है। यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर मुख्य मंदिर शिव भगवान जी का है। मंदिर के पास में एक छोटा सा तालाब देखने के लिए मिलता है। बाबा गोरखनाथ धाम कटिहार जिले में सालमारी प्रखंड में स्थित है। यह जगह कटिहार से करीब 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर शिवरात्रि और सावन सोमवार में बहुत भीड़ लगती है। यहाँ पर आपको हनुमान जी के भी दर्शन करने के लिए मिलते हैं। श्रावणी मेले की चल रही तैयारी, मुख्यमंत्री इस दिन कर सकते हैं उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस बार श्रावणी मेला 2023 उद्घाटन करवाने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए जिला प्रशासन मुख्यमंत्री से अनुरोध भी करेगा। मुख्यमंत्री के अलावे अन्य विभागों के मंत्रियों को भी आने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। बता दें कि उद्घाटन 4 जुलाई को किए जाएंगे। कांवड़ियों की सुविधा के लिए भी कई तरह की सुविधाएं तैयार किए जा रहे हैं। इसके लिए कच्ची पथ पर कारपेट बिछाकर तैयार किया जा रहा है, ताकि गर्मी और धूप के कारण उनके पैर न तपे। बता दें कि यह कारपेट गंगा घाट से कच्ची पथ तक बिछाए जा रहे हैं, जिसके लिए मंजूरी ली जा चुकी है। वहीं सुरक्षित गंगा स्नान को लेकर बांस के बैरिकेडिंग भी लगाए जा रहे हैं और शौचालय, बिजली, धर्मशाला की सुविधा के लिए भी काम शुरू है। साथ ही दुकानदारों ने भी कांवड़िया पथ के दोनों ओर दुकान लगाने शुरू कर दिए हैं। विपक्षी दलों की बैठक के बाद होगा नीतीश कैबिनेट का विस्तार। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार नीतीश कैबिनेट का विस्तार विपक्षी दलों की बैठक के बाद यानी 23 जून के बाद किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस पार्टी से 2 नेताओं को और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी से 1 नेता को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अखिलेश प्रसाद सिंह के द्वारा यह साफ कर दिया गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से यह तय हो चुका है कि मंत्रिमंडल में कांग्रेस से 2 और राजद से 1 नेता को मंत्री बनाया जाएगा। इसलिए अब कोई चिंता का विषय नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ साफ हो चुका है। और फिलहाल अभी हम लोग 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में होने वाले विपक्षी दल की बैठक की तैयारी कर रहे हैं। मालूम हो कि वर्तमान में नीतीश कैबिनेट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़कर कुल 30 मंत्री हैं और बाकी 4 विभागों की जिम्मेदारी अलग अलग मंत्रियों को अतिरिक्त प्रभार के तौर पर दी गई है। हम के प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार सरकार के रवैया पर उठाया सवाल। हम पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रजनीश कुमार के द्वारा बिहार सरकार के रवैया पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि पहाड़ पुरुष दशरथमान जी, पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबू को भारत रत्न से सम्मान मिले, क्योंकि अगर नीतीश सरकार ऐसा चाहती और अब तक उन्होंने इन महापुरुषों को भारत रत्न दिलवाने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा होता तो अब तक इन महापुरुषों को सम्मान मिल गया होता। इसलिए हम नीतीश कुमार से कहना चाहते हैं कि वे अपनी जिद को छोड़ें और महापुरुषों का सम्मान मिल सके, इसलिए वे भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे कि इन महापुरुषों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। यह बिहार सरकार से हमारी पार्टी की ओर से मांग है। नीतीश के करीबी मंत्री ने बीजेपी पर लगाया साजिश करने का आरोप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले विजय कुमार चौधरी के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के द्वारा देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर दिए गए बयान पर तंज कसते हुए बयान को आपत्तिजनक बताया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा महात्मा गांधी का अपमान करना चाहती है। भाजपा का हिडन एजेंडा है, क्योंकि उनको लगता है कि गांधी की वजह से ही भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सका। उनके बयान से यह स्पष्ट होता है कि गांधी के कारण देश का विभाजन हुआ और अगर नेताजी होते तो गांधी की नहीं चलती। दरअसल अजीत डोभाल के द्वारा कहा गया था कि नेताजी
सुभाष चंद्र बोस हमेशा महात्मा गांधी को चुनौती देते थे और अगर वह जिंदा होते तो देश का विभाजन नहीं होता। जिस पर विजय कुमार चौधरी ने कहा कि भाजपा का यही हिडन एजेंडा रहा है कि कभी नेताजी तो कभी सरदार पटेल का महिमा मंडन इस प्रकार किया जाए कि गांधी उनके सामने छोटे लगे और धीरे धीरे भारतीय जनमानस उनकी स्मृति को खारिज कर दे। सुरेश रैना ने सीएसके की प्लेइंग 11 में उथप्पा को शामिल करने पर किया बड़ा खुलासा। एमएस धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में सुरेश रैना को हटाकर आईपीएल 2021 के अंत में रॉबिन उथप्पा को शामिल करने को लेकर स्टार खिलाड़ी सुरेश रैना के द्वारा एक खुलासा किया गया है। दरअसल रॉबिन उथप्पा के साथ जियो सिनेमा पर बातचीत के दौरान रैना ने कहा कि जब एमएस धोनी और मैंने बात की तो मैंने उन्हें सुझाव दिया कि आपको रॉबिन उथप्पा को प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहिए। धोनी ने आपको प्लेइंग 11 में शामिल करने के से पहले मुझसे सलाह ली और मैंने उनसे कहा कि वह आपको फाइनल तक ले जाने वाला खिलाड़ी है, मुझ पर भरोसा करें। एमएस धोनी ने कहा कि हम 2008 के साथ खेले हैं लेकिन मैं इस सीजन को जीतना चाहता हूं, अब आप मुझे बताएं कि क्या करना है। तब मैंने कहा कि अगर आप जीते तो सीएसके जीतेगी, चाहे मैं खेलूं या वह, रॉबिन और रैना एक ही हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। उत्तराखंड सरकार ने 2008 में गंगा पर निर्माणाधीन 480 मेगावाट की पाला मनेरी व 380 मेगावाट की भैनोधारी परियोजना को स्थगित किया। उत्तराखंड और सिक्किम के पूर्व राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल का जन्म 1931 को हुआ। मशहूर ब्रिटिश भारतीय लेखक और उपन्यासकार सलमान रश्दी का जन्म 1947 को हुआ। भारतीय राजनीतिज्ञ तथा मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री उकरम इबोबी सिंह का जन्म 1948 को हुआ। भारतीय नेता और भारत की संसद के सदस्य राहुल गांधी का जन्म 1970 को नई दिल्ली में हुआ। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री लाल 5 जून 1986 से लेकर 19 जून 1987 तक तीसरी बार मुख्यमंत्री नियुक्त रहे। भारतीय राजनीतिज्ञ और एक राजनेता श्रीपति मिश्रा 19 जून 1967 से 14 अप्रैल 1968 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। आज के दिन को विश्व एथनिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वेलकम, में आज हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि खबर में दावा किया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बैंक खातों को लेकर एक अहम ऐलान किया है। अगर किसी भी खाताधारक के खाते में 30,000 रुपये से ज्यादा है तो उसको खाता बंद कर दिया जाएगा। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह खबर फर्जी है, आरबीआई ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। व्हाट्सएप पर 60 सेकंड के शॉर्ट वीडियो सेंड करना हुआ आसान। व्हाट्सएप के अपडेट को लेकर जानकारी देने वाली वेबसाइट डब्ल्यू ए बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट में व्हाट्सएप के नए फीचर की जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप यूजर्स के लिए कंपनी ने वीडियो मैसेजर फीचर को रोल आउट करना शुरू कर दिया है। व्हाट्सएप के इस फीचर की चर्चा पिछले कुछ दिनों से हो रही थी। व्हाट्सएप के वीडियो मैसेज फीचर की मदद से यूजर्स शॉर्ट वीडियो सेंड कर सकेंगे। व्हाट्सएप यूजर्स अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स को 60 सेकंड तक के वीडियो सेंड कर सकते हैं। बता दें कि इस फीचर का इस्तेमाल शुरुआती फेज में केवल व्हाट्सएप के बीटा यूजर्स ही कर सकेंगे। प्लेटफॉर्म के बीटा यूजर्स iOS 23.6.0.73 अपडेट और Android 2.23.8.19 अपडेट के साथ फीचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट आपको इंस्टॉल करने के बाद इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दो विषयों में अब एक साथ कर सकेंगे पीएचडी। नए पीएचडी नियम 2023 देश के सभी यूनिवर्सिटीज में 2023-24 के नए सत्र में लागू हो जाएंगे। बता दें कि पीएचडी के लिए नया नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू हुआ है, जिसके तहत अब आप एक से अधिक विषयों में एक साथ पीएचडी कर सकेंगे। मालूम हो कि मौका इंटर डिसिप्लिनरी के तहत ही दिया जाएगा क्योंकि इसके तहत छात्र दो या दो से अधिक शैक्षणिक विषयों में पीएचडी में रिसर्च कर पाएंगे। लिहाजा शोध करने वाले अभ्यर्थी जिस डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे पीएचडी डिग्री में उसी का नाम होगा। साथ ही साथ जो शोधार्थी दूसरे विषय में शोध कर रहे होंगे उसमें मदद के लिए उनको सुपरवाइजर देने के साथ साथ क्रेडिट भी दिए जाएंगे। अब सीबीएसई के छात्र टीवी चैनल के जरिए भी कर सकेंगे पढ़ाई। अब पूरे देश भर में 200 टीवी चैनल शिक्षा विभाग प्रधानमंत्री विद्या स्कीम के तहत लॉन्च करने जा रही है, जहां सीबीएसई को भी इस स्कीम के तहत एक टीवी चैनल दिया गया है। ऐसे में कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थी घर बैठे ही पढ़ाई कर सकते हैं और मुश्किल टॉपिक्स को आसानी से समझ सकते हैं। शिक्षक बच्चों को ये सुविधा दे सके इसके लिए उन्हें भी टीवी चैनल के जरिए ही ट्रेनिंग दिए जाएंगे। साथ ही साथ स्कूल प्रबंधकों को नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए बुनियादी जरूरतों के बारे में भी बताया जाएगा। बता दें कि यह जानकारी श्रीराम शर्मा, जो कि सीबीएसई के ट्रेनिंग डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा दी गई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, प्रयाग सिंह, सदुल्ला पलवी, उमेश ऋषिदेव, तुलसी कुमार आर्य, कृष्णा कुमार, बद्री कुमार, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद असलम, शीला देवी, संतोष राज, पंकज यादव, हरिंद्र राय, मोहम्मद सकीर हुसैन, प्रियंका कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार राज्य में जल संकट को दूर करने के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।